सरोवर नगरी नैनीताल में हर वर्ष नए साल का जश्न मनाने देश भर से सैलानी यहां आते हैं। पर्यटक व्यवसायी भी यहां आने वाले पर्यटकों को उल्लास आनंद उपलब्ध कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। नैनीताल को दुल्हन की तरह सजाने के साथ माल रोड में संगीत की व्यवस्था भी की जाती है। पर्यटन नगरी नैनीताल के व्यवसायी इस वर्ष नए वर्ष पर आनंद मनाने की जगह आहत होकर कैंडल मार्च निकालेंगे। नैनीताल नागरिक मंच ने इस बाबत ऐलान कर दिया कि मंच से जुड़े होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कमल जगाती ने बताया कि पुलिस प्रशासन के पर्यटन विरोधी निर्देशों के खिलाफ नैनीताल नागरिक मंच के अंतर्गत नगर के होटल एसोसिएशन, तल्लीताल और मल्लीताल व्यापार मंडल, टूर ऑपरेटर एसोसिएशन एवं अन्य ने निर्णय लिया कि 31 दिसंबर की शाम को मल्लीताल रामलीला स्टेज में एकत्र होकर तल्लीताल गांधी जी की मूर्ति तक हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकालेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नगर के सभी वर्गों के लोगों ने इस मार्च में शामिल होने का आह्वान किया। आपको बता दें कि पर्यावरणविद डॉक्टर अजय रावत की जनहित याचिका पर कोर्ट कमिश्नर चक्रधर बहुगुणा द्वारा उच्च न्यायालय को गुमराह करने, याचिका के विषय के बाहर जाकर नगर में दहशत फैलाने के आरोप लगाए, पूर्व हुई बैठकों का बहिष्कार कर उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रशासन द्वारा तुगलकी फरमान से आहत होकर नैनीताल नागरिक मंच ने नव वर्ष पर स्वागत के मौके पर नैनीताल कैंडल मार्च का कार्यक्रम तय किया है। पहले डीजे लगते थे और यहाँ पे वो सॉन्ग चलते थे, मगर अब नहीं चल रही। मैंने यही बात सुन के यहाँ पे आई थी, मगर अब बोर लग रहा है यहाँ पे आने से। कोई और चॉइस दे जिससे हमें मज़ा आए, अब उसके लिए वही चॉइस करने के लिए मैं जा रही हूँ। मैं तो कलकत्ता से आया हूँ, मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ, यहाँ पे आया हूँ 31 मनाने के लिए। लेकिन सुन रहा हूँ कि यहाँ पे जो माल रोड में पहले ये सब म्यूजिक वगैरह बसता था, जो अरेंजमेंट होते थे, वो नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, इसके लिए थोड़ा मायूस हूँ। तो सोच रहा हूँ कि मतलब 31 जाके जिम कॉर्बेट या दूसरा कहीं मनाना पड़ेगा। तो पहले तो सेलिब्रेशन होता था ये सुन के आया था, लेकिन अभी तो सुन रहा हूँ कि अभी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली वाई ये सब नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग प्लानिंग थोड़ा चेंज करके कुछ जिम कॉर्बेट वगैरह कहीं फिर आजू बाजू में कहीं 31 मनाएंगे। नैनीताल में हम हमेशा से न्यू ईयर और क्रिसमस का ईद बहुत अच्छे से मनाया करते थे। यहाँ हम लोग चारों तरफ से बिजली की मलाएं लगाया करते थे, साथ में डीजे, पूरा एक माल रोड को एक डीजे फ्लोर बना दिया करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कुछ ऐसे निर्णय प्रशासन ले रहा है दबाव में, कि उसने यहाँ टूरिज़्म को जो है पूरी गतिविधियों को ख़राब कर दिया है जी। पूरा नैनीताल का एक संयुक्त नागरिक मंच बनाया गया है, जिसमें ये निर्णय लिया है कि हम नैनीताल में 31 दिसंबर की रात शाम हम एक कैंडल मार्च निकालेंगे। साथ में हम लोग पूरे जो टूरिज्म है इस बार पूरी मालाएं कुछ नहीं लगाएंगे और ना ही हम यहाँ डीजे बजाएंगे। ये विरोध हमारा इस तरीके से होटल एसोसिएशन ने जताया है। आज न्यूज़ के लिए नैनीताल से कांतापाल की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।